नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सेन आप सभी के साथ और एक बार फिर से मोदी नगर चर्चा न्यूज आपके सामने ला रहा है खास खबर। तो हम आपको ले चलते हैं मोदी नगर के सीकरी खुर्द गांव में और आपका ध्यान करते हैं उस तरफ जहां हमारी संवाददाता कावेरी योगी जानेंगी पिछले कई दिनों से शत्रु संपत्ति मामले से बनती समस्या और सीकरी खुर्द वासियों के विचार। जिस शत्रु संपत्ति मामले में सीकरी वासियों की अटक रही हैं सांसें और हम सभी जानेंगे कि आखिर इस शत्रु संपत्ति मामले में दोषी है कौन, तो देखते रहिए मोदी नगर चर्चा न्यूज। नमस्कार, मैं कावेरी योगी और आप देख रहे हैं मोदी नगर चर्चा न्यूज। आज हम आप पहुंचे हैं मोदी नगर के सीकरी खुर्द गांव में और आज हम बात करने वाले हैं इस मुद्दे पर जो मुद्दा यहां पर बहुत चर्चा में है। जी हां, आपको बता दें यहां की संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहा जा रहा है। इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं और जानेंगे क्या कोई ये राजनीतिक साजिश है या क्या कोई षड्यंत्र है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या है पूरा मुद्दा। आइए चलते हैं मेरे साथ और पूछते हैं और कितने समय से आप यहाँ पर तो इसको लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है शत्रु संपत्ति का, इसे लेकर आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, आओ, अभी तीन चार दिन से जब से प्रशासन जब से गांव में एक भूचाल सा आ गया है, गांव वाले एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शत्रु संपत्ति का मामला क्या है। आज़ादी से पहले हमारे यहाँ शेख अलाउद्दीन नाम का एक युवक रहता था और उसी की सारी प्रॉपर्टी थी। उसकी कितनी प्रॉपर्टी थी ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हाँ 70-80 बीघे उसकी शायद थी और प्रशासन के लोगों ने करीब आज 1800 बीघे उसके नाम पर हमारी सारी ज़मीन को, किसानों की ज़मीन को, मजदूरों की ज़मीन को शत्रु संपत्ति का हवाला दे करके वो शत्रु संपत्ति में शामिल कर लिया बिना सूचना के। जबकि होता है जब इनके पास कोई सूचना आए, नोटिफिकेशन आए, तो कम से कम किसान को सूचना देना चाहिए, औपचारिक रूपता तो ये बनती है। लेकिन किसी भी तरह का ना तो कोई सूचना थी, ना कोई नोटिफिकेशन इन्होंने जारी करा, ना किसान से किसी ने, इन प्रशासन के लोगों ने संपर्क किया। तो इस मुद्दे पर जो है ये बताया जा रहा है कि संपत्ति को क्रय विक्रय पर रोक लगाई जा रही है, तो इस बात से क्या आप सहमत है? बिल्कुल, इन्होंने जो है फर्द पे नाम चढ़ा दिया है। वो उसमें जो है खतौनी में इन्होंने शत्रु संपत्ति घोषित कर दी है, उसमें आदेश इन्होंने चढ़ा दिया है। हम इसके लिए हम एडीएम साहब से भी कल मिले, उन्होंने हमने उन्हें सारी चीज़ें बताई और हमने यही उनसे निवेदन करा कि पुनः इसकी दोबारा से जांच करके इसे दोबारा से जांच करें और एक सही तरीके से, जो अगर ज़मीन मियाँ जी की पड़ी है या शत्रु संपत्ति कोई है, ऐसी कोई छोटी मोटी है, अगर 50-60 बीघे पड़ी है, तो उसमें वो कार्रवाई करके उसे ले सकते हैं, अन्यथा किसी भी किसान को परेशान न करें और ये जो ये लगातार खतौनी पे जो नाम चढ़ा रहे हैं उसे रोकने का काम जल्द से जल्द। और अगर हमारी बात को ना सुना गया तो गांव वाले आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे और अपनी मांग को मनवाने का काम करेंगे। जब तक हमारी बात को नहीं मानी जाएगी, जब तक निष्पक्ष जाँच नहीं होगी, पूरा गाँव आधा शहर आंदोलन करेगा। और मतलब कौन सी भूमि है जिन्हें चिन्हित किया गया है शत्रु संपत्ति के? देखो, ये तो गांव का जो 1800 बीघा रकबा है वो पूरा गांव सीकरी खुर्द का चिन्हित करा गया है इन लोगों ने, और इसमें गांव की आधी जमीन आती है सीकरी खुर्द की, मोदी बाग, मोदी इंडस्ट्री, कृष्णा नगर, गोदापुरी, विश्वकर्मा बस्ती, आनंद विहार और आपका कृष्णा कुंज और इंदिरापुरी, ये भाग इसमें आते हैं। लगभग आधा शहर इसमें है। इससे कम से कम ये लगा लीजिए कम से कम 30,000 लोग इससे प्रभावित हैं। आपका नाम? यश पाल जी। आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? पुरानी पूर्व से रह रहे जो विवाद छिड़ा हुआ है इसकी सूचना पहले भी कभी मिली थी या इस तरीके से? सूचना नहीं मिली, इनको ही खुद पता नहीं है प्रशासन को, विदाउट सूचना हो रहा है, प्रशासन को कोई पता नहीं था। अगर प्रशासन को पता होता तो उससे पहले चकबंदी थी, चकबंदी भी इन्होंने ही गठित करी, सरकार नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने गठित करी। तो प्रशासन से आपकी क्या मांग है, मतलब प्रशासन से ये प्रशासन से ये मांग है कि जितनी जिसके यहाँ शत्रु संपत्ति का मतलब है नोटिफाई एरिया की जितनी जमीन है जिसका कोई बारिश नहीं था, आज उसमें बारिश बन गई, वो सब उसके गई सरकार में गई, 2 बीघे है तो 2 बीघे लिया जाए, 18 बीघे ना देता। आप बोलो,
ये हमारे दादा परदादा यहाँ रह करके गए हैं, जिन्होंने संपत्ति बनाई है, राजमंत्री जी की ढहने लग दी। गवर्नमेंट ने हमें कोई सोचना नहीं दी, विदाउट सोचना की मतलब ये भागा भाग हो रही है। जो मंजूर मियां था वो कहाँ है, कैसे बलिदान दिए, लगा दी गई हमारे गांव पे, पूरा गांव भोरे में आगा मां के जब बचा। जिनकी संपत्ति है और जिन मतलब निर्माण संपत्ति के जो स्वामी है, उनके सुरक्षा के लिए प्रशासन का क्या कदम अगला होना चाहिए? प्रशासन का सबसे पहली बात तो ये कि कदम ये होना चाहिए कि जो जैनमन जमीन है, जो उनकी नजरों में शत्रु संपत्ति है, 200 गज है, 400 गज है, या 1 बीघे 2 बीघे, वो निकाल ली जाए, राउंड फिगर में चकना लिया जाए, किसी का पूरा पूरा नहीं लिया जाए, पूरा का पूरा, ये तुम्हारी इंदिरापुरी संजयपुरी, ये जहां से जोड़ लो जी, और ये कृष्णा नगर लो, और फलाना नगर लो, ठिकरा नगर, ये पूरा मोदी नगर ही मतलब भाई अभी उन्हें चिन्हित किया गया, जो मतलब भूमाफिया थे, यानी कि फिल्टर वगैरह देख पा कर गरीब आदमी ने अपने झोपड़े में ढाई डाले। आपका नाम? मेरा नाम देवदत्त शर्मा। कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? जन्म से यहीं रह रहे हैं। तो जो ये विवाद छिड़ा हुआ है शत्रु संपत्ति को लेकर, उसके बारे में आपकी क्या विचारधारा है? ये जो छिड़ा है, ये सिर्फ ये हमारी जो मोदी नगर की तहसील है उसका सारा सिस्टम करा धरा है ये, और इसमें ज़्यादा जो जो काम डिस्टर्ब करा है ये हमारे गाँव शहर के जो उद्योगपति हैं मोदी, इन्होंने ज़्यादा करा कि उन्होंने अपनी संपत्ति उल्टा पलटी करने में ये सारा प्रशासन के उसमें वो करके इन्होंने बहुत ज़्यादा वो करा है। इसमें किसान लोग बहुत ज़्यादा पिसे हुए हैं, किसान के तो दादा लाई, तो हमारे जो पड़ बाबा भी थे उन्हीं के नाम चली आ रही थी, फिर हमारे बाबा के हुई, फिर हमारे पिताजी के नाम हुई, तो इसमें किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं कि जब से ये क्या नाम है, जब से रजवाड़ा ख़त्म हुआ था, ये जब से हमारे दादाओं के नाम चली आ रही है ज़मीन, वो आप इन्होंने कोई इतला दिए शत्रु संपत्ति में घोषित कर दी, और हमारी जो फर्द हैं उनमें भी एंट्री कर चुके हैं ये लोग। तो शत्रु संपत्ति में जो बताया जा रहा है कि संपत्ति के क्रय विक्रय पर रोक लगाई जाएगी, तो क्या ये सही है? ये गलत है, ये गलत है। प्रशासन द्वारा आप मतलब क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है और क्या उनका अगला कदम होना चाहिए उसके बारे में? प्रशासन से हमारी ये मांग है, जो भी जिसकी भी जमीन है किसान की, उसे उसकी द्वारा जांच की जाए, और जो अच्छी ज़मीन है उसको निकाला जाए, जो गलत चीज़ है वो तो गलत है ही है, जो अच्छी किसान की जो ज़मीन है दादा लाई पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है वो तो ज़मीन रहनी चाहिए, जो गलत ज़मीन है उसे प्रशासन अपने अंडर में ले। तो प्रशासन द्वारा इस मुद्दे पर जो है आपको क्या आश्वासन मिला है, मतलब उनकी तरफ से क्या आपको रिस्पांस मिला है? हमें कोई उनसे आश्वासन कोई उम्मीद नहीं मिल रही, हम तो सीधा अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, हम अपने कागज़ तैयार कर रहे हैं, तहसील प्रशासन मोदी नगर तहसील प्रशासन हमारे पेपर भी कम्प्लीट नहीं दे रहे, वो भी मना कर रहे हैं कि हमने नहीं देंगे अभी पेपर, पहले हमें अपना काम करने दो, जब हम आपको पेपर देंगे। तो क्या लगता है आपको इस समस्या से कब तक मतलब इसका उपाय हो पाएगा? इस समस्या का कोई पता नहीं कितना समय लगे। आपका नाम? महावीर सिंह। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? जन्म से रह रहे हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि शत्रु संपत्ति का बहुत चर्चा में ये मुद्दा जो छिड़ा हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या विचारधारा है? ऐसा ही जो प्रकरण है शत्रु संपत्ति का, इसके बारे में बहुत लोगों का सबका अपना अपना मानना है, परंतु मेरा ये मानना है कि शत्रु संपत्ति 1947 में देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जो लोग बंटवारे में पाकिस्तान चले गए वो वहाँ चले गए, और जिनको हिंदुस्तान पसंद आया वो हिंदुस्तान में रहे, परंतु जो शत्रु संपत्ति है, शत्रु संपत्ति इन अधिकारियों को ये समझ में नहीं आ रहा ये है क्या भाई, शत्रु संपत्ति LMC को कहा जा या जो लोग यहाँ छोड़ के ज़मीन चले गए उसको कहा जा। अच्छा, इसमें भ्रमित भी हैं अधिकारी, भी भ्रमित हैं अधिकारी को, पहले ये जान लेना चाहिए था शत्रु संपत्ति घोषित होने से पहले कि भाई इस गांव में कितनी शत्रु संपत्ति है। उन्होंने बिना देखे भाले अपना डिसीजन सुना दिया कि ये शत्रु संपत्ति जो है ये सरकार की घोषित होगी। कौन कौन सी ऐसी भूमि है जिन्हें चिन्हित किया गया है शत्रु संपत्ति? चिन्हित कोई नहीं किया गया, चिन्हित अब सपोज करो 1942 बीघा जमीन चिन्हित किया गया है। 1942? हाँ जी। अच्छा, जैसे चिन्हित किया गया तो उस पर गवर्नमेंट बैन लगाती, जैसे LMC को किसान नहीं बेच सकता, वो सरकारी भूमि है, तो हम तो ये मानते हैं जो LMC है उसी का तो अधिकार है,
अब किसान के पास 40 बीघे भूमि है, 50 बीघे है, उसमें 10 बीघे LMC है या शत्रु संपत्ति है, उसकी पूरी 40 की 40 बीघे उसमें शत्रु संपत्ति में कर दी, ये तो अन्याय है सीधा सीधा। तो जो शत्रु संपत्ति का ही विवाद है, इसका सिर्फ मतलब पहली बार सूचना आई है या पहले भी कोई सूचना? नहीं, सूचना कोई नहीं आई, ना किसी को नोटिस दिया है। ये गलत तरीके से कर रहे हैं, सरकार भी और अधिकारी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, और इसका पूरे गांव वाले इसका विरोध करेंगे, क्योंकि जो है जायज, जो जायज असल है, नाजायज कैसे दिया जाएगा? सुरक्षा के लिए आप क्या चाहते हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए? बस सुरक्षा तो यही है सबसे बढ़िया, कि जो हमारी संपत्ति है उसको हम आँच नहीं आने देंगे, उसकी निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच हो उसकी, जो शत्रु संपत्ति है उसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम पंडित दीपक वत्स है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सिगरी खुर्द का मूल निवासी हूँ। और कितने साल आपको हो गए यहाँ पे रहते हुए? बचपन से ही यहाँ है, हमारे पूर्वज बुजुर्ग सब सिगरी खुर्द के निवासी। जैसे कि ये मुद्दा बहुत चर्चा में है कि शत्रु संपत्ति यहाँ की संपत्ति कहलाई जा रही है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शासन की कहीं गलती से ये सब आम जनता पिस रही है। अगर शत्रु संपत्ति है तो जो शत्रु संपत्ति है उसकी पूर्ण एक बार जांच की जाए। जो शत्रु संपत्ति है उस पर गवर्नमेंट का अधिकार है, उसको ले सकती है, लेकिन ये करीब 1.5 लाख जो लोग हैं वो सब इससे प्रभावित हो गए हैं। इन्होंने सारा डाटा उठा के सब शत्रु संपत्ति में कन्वर्ट कर दिया है। तो शत्रु संपत्ति का जो वो है, मुख्य रूप से कौन कौन से भूमि है जिसे शत्रु संपत्ति से चिन्हित किया गया है? ये देखिए, मोदी बाग में है कुछ, और सिगरी खुर्द में भी कुछ है, लेकिन इन्होंने तो जो एक आम जनता की प्रॉपर्टी है इन्होंने सबको उठा के शत्रु संपत्ति में कन्वर्ट कर दिया। अब ये तो जांच का विषय है, जांच की जाए, इस पर पूरी टीम गठित की जाए। अगर शत्रु संपत्ति कहीं बोल रही है तो उसको गवर्नमेंट ले सकती है। आम जनता द्वारा मतलब जो आम जनता की संपत्ति है और जो स्वामी निर्माण की संपत्ति है, उनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन का जो अगला कदम है वो क्या होना चाहिए? देखिए, मैंने माननीय कल ADM साहब से बात हुई थी इस मामले में, जो इन्होंने जल्दबाजी में ये कदम उठाया है ये बहुत गलत उठाया है। गृह मंत्रालय को भी पत्र लिख रहे हैं हम, कल गृह मंत्रालय में शायद हमारा जाना होगा, तो उसमें भी हमारी यही मांग है कि आप पुनः एक बार जांच कराई जाए, जहां जहां शत्रु संपत्ति है, जहां जहां LMC है वहां वो ले लें, बाकी किसी गरीब आदमी को ना परेशान करा जाए। तो उनसे बात करने के बाद आपको उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला है, क्या रिस्पॉन्स मिला है? आश्वासन ये मिला है कि उन्होंने कहा है कि आप गृह मंत्रालय जाएं और वहाँ अपनी मांग रखें। कल माननीय सांसद जी आ रहे हैं, हम उनसे भी अपना विषय रखेंगे और निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। और आप क्या चाहते हैं इसकी सुरक्षा के लिए? आप क्या चाहते हैं कि इससे अच्छे से सुरक्षा मिल पाए, और क्या आपका अगला कदम होगा? देखिए, ये तो शासन ही सुरक्षा दे पाएगी, अब गवर्नमेंट से लड़ा तो जाएगा नहीं, लेकिन अपने अधिकार के लिए हम किसी हद तक भी जाएंगे। अपनी भूमि को, वो हमारी मातृभूमि है, उसको हम किसी भी हद तक जाने नहीं देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मोदी नगर चर्चा न्यूज़। दोस्तों, तो ये थी हमारी संवाददाता कावेरी योगी की रिपोर्ट, और मैं अजय सेन आप सभी से करता हूँ गुजारिश कि शत्रु संपत्ति मामले में प्रशासनिक अधिकारियों और हमारे जनप्रतिनिधियों की जनता के लिए क्या रणनीति होगी, वह सीकरी वासियों को क्या आश्वासन मिल रहा है, जानने के लिए जुड़े रहें हमारी अगली खबर के साथ मोदी नगर चर्चा न्यूज से। और मोदी नगर व आसपास के क्षेत्र की खबरों के लिए देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल मोदी नगर चर्चा न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।